भाजपा की विजय संकल्प रैली में पहुंचे नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, भाजपा का छोटे से छोटा कार्यकर्ता जा सकता है ऊंचे पद पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार लोकसभा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दसों की दस सीटों को जीता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम करना है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए टिकट में देर हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर गांव में बिजली 24 घंटे देने का काम किया है और बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। उन्होंने कहा कि बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी जा रही है। और मंच से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह, राजमंत्री बिशंबर बाल्मीकि, हिसार लोकसभा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला, मंत्री जेपी दलाल, भिवानी जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने भी संबोधित किया डॉन। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के प्रसिद्ध लोक गायक वीरपाल खरकिया ने भी अपनी प्रस्तुति दी। मंच पर विराजमान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल देकर के आपके बीच में भेजा है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर जी लोकसभा में मेरे साथी सदस्य रहे और जितनी आवाज इन्होंने इस भिवानी क्षेत्र के लिए उठाई है, लोगों की समस्याएं इनका समाधान हो उसके लिए उठाई है। मेरे ख्याल से किसी सांसद ने इतनी आवाज नहीं उठाई है जितनी चौधरी धर्मवीर जी ने उठाई है। हमारे बीच में जिला के प्रभारी, हरियाणा के कैबिनेट के मेरे साथी मंत्री और हिसाब से जिनको कमल का फूल देकर के भेजा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी लोकप्रिय मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला हरियाणा सरकार में मेरे साथी कैबिनेट मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी और आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, मेरी कैबिनेट में नवनियुक्त मंत्री बिशंबर बाल्मीकि जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पुनिया जी, जिला के अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी।